हेलो एवरीवन। सो आज हम देख रहे हैं डिलीवरी का शेयर। डिलीवरी का शेयर में देखिए, आज इसने 5-6% का मूव दिया है। अगर इसका 1 वीक का देखेंगे तो 1 वीक में इसने कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं है, ठीक है। 1 वीक 1 मंथ में बिल्कुल उसी लेवल पे है, कुछ खास मूवमेंट किया नहीं है, 5-7% का ही है, ठीक है। बट इसका अगर 1 ईयर या इससे ज़्यादा लंबा चार्ट देख रहे हैं तो एक्चुअली ये ज़्यादा पुराना शेयर नहीं है। देखिए, ये 2022 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद में ये करीब करीब 675 के आसपास इसने हाई बनाया और उसके बाद में यहाँ से पूरा एकदम डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में जाके भी ये कंसोलिडेशन था। लगभग 7 नवंबर, देखिए 2022 में ये 400 का लेवल था और अभी जून जुलाई आ गया है उसी लेवल से, ठीक है। तो अभी जाके इसने 400 का लेवल क्रॉस किया है और उसके ऊपर अच्छा क्लोज दिया है। सो चलते हैं इसके डेली चार्ट पे और देखते हैं आगे हमारे यहाँ से क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका डेली चार्ट और डेली चार्ट पे आप देखेंगे ये इसका 200 जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर इसने क्रॉस करके और यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 महीने के अराउंड इसने ऊपर स्टेबल, ये है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास और इसके ऊपर ही आज इसने क्लोजिंग दिया है एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना के, ठीक है। साथ में RSI भी देखिए, RSI यहाँ पे RSI लगातार काफ़ी टाइम से 60 के ऊपर ही है, ठीक है। कभी कभी ये 60 से नीचे जा रहा है बट वापस से 60 के ऊपर आ जा रहा है। सो यहाँ से स्ट्रेंथ है इसमें, लगातार यहाँ से इस लेवल से करीब करीब अप्रैल मंथ के बाद भी लगातार स्ट्रेंथ बन रहा है। अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं हम, वीकली चार्ट ज़्यादा टाइम लिस्ट नहीं हुआ तो इसमें वीकली चार्ट में कुछ खास डेटा है नहीं, बट फिर भी यहाँ के जो 20 डे इसका मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे उसके ऊपर है, ठीक है। बट आप RSI देखेंगे तो RSI में देखिए कंटिन्यूसली अगले वीकली चार्ट पे है वो आपको इंक्रीजिंग दिखता यहाँ से दिख रहा है। सो वापस चलते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं हमारा इसका आगे क्या टारगेट बन सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ से देखिए, करंट लेवल है इसका 420 का, तो पहले नीचे डाउन साइड रिस्क देख लेते हैं। रिस्क आपका रहेगा 400 के आसपास, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये जो प्रीवियस जो लो है, मतलब यहाँ से 5% के अराउंड लगभग 400 के आसपास अगर इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर जो टारगेट होने वाले हैं, टारगेट देखिए आप फर्स्ट टारगेट रखेंगे 500 का, ठीक है, जो कि करीब आपका यहाँ से 500 या 495 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से लगभग 17-18% यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा इसका ये 600 का, जो कि करंट लेवल से आपका लगभग 42% के आसपास है, ठीक है। सो ये दो ऊपर आपको टारगेट ध्यान में रखने हैं और नीचे आपको सपोर्ट ध्यान में रखना है 400, और 400 से अगर नीचे और सपोर्ट, इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 388 के आसपास है। सो दूसरा ये सपोर्ट हम अगर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि करंट लेवल से करीब करीब 7-8% का नीचे सपोर्ट होने वाला है, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए और ये साइडवेज जोन में चले जाए, बट अगर इसके ऊपर ये 400 के ऊपर अगर बना रहेगा तो आपको ये जो है 500 का, और दूसरा टारगेट है आपका 600 का। सो ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो ये था आपका डिलीवरी का शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।